आज समिति द्वारा श्री योगेश सोलंकी जी व श्री विजय बंसल जी ने भजनपुरा थाना अध्यक्ष श्री आर एस मीणा जी का विदाई समारोह परमानंद भवन में संपन्न कराया। साथ ही भजनपुरा थाने में नियुक्त हुए नए थाना अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी का स्वागत समारोह भी कराया। इस अवसर पर घोंडा विधानसभा अध्यक्ष श्री अजय महावर, निगम पार्षद श्री प्रमोद गुप्ता, संस्था संचालक श्री विजय बंसल जी, डॉक्टर यू के चौधरी, संस्था संरक्षक दीपक कुमार, विनोद बंसल, उपाध्यक्ष श्री दिनेश सोलंकी, वरिष्ठ समाजसेवी शैलेंद्र सिंह, रतनलाल गर्ग, प्रेमचंद गोयल, रोहतास कश्यप, यश ढींगरा आदि मौजूद रहे। संस्था द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भजनपुरा थाने में नियुक्त नए थाना अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी का स्वागत मीडिया कर्मियों, संस्था संचालक व अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी स्वर्गीय समाचित चुनाव समिति है, उन्होंने जो हमारे एसोसिएट साहब थे पहले आर एस मीणा जी, उनका विदाई समारोह रखा और जो नए एसोसिएट साहब आए अशोक शर्मा जी, उनका स्वागत। दोनों इसलिए रखे गए कि दोनों का कार्यकाल बड़ा कम रहा हमारे एसोसिएट साहब का, और जिस टाइम का कार्यकाल रहा बड़ी विपक्ष समस्या रही उनके साथ में, और उन्होंने बाखूबी उसको निभाया और समाज के साथ रहकर, पब्लिक के साथ रहकर समस्याओं का निवारण किया। तो बड़ा अच्छा रहा उनके साथ रहना यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जहाँ भी वो जाएँ अच्छे रहें वहाँ पे, तो अपने कार्यकाल को अच्छे संभालें। और अशोक शर्मा जी से ये निवेदन रहेगा हमारा कि वो अपने कार्यकाल में यहाँ पे जब तक रहेंगे हमारी समस्याओं का समाधान करें, उससे मिलजुल के साथ चलें और मीडिया के साथ और हमारे समाज के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। देखिए, थाने अध्यक्ष के आज पिछले पूर्व थाना अध्यक्ष की विदाई का समारोह था, और जो नए भजनपुरा के अंदर थाना अध्यक्ष आए हैं उनके आगमन पर उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। ये हमेशा होता आया है, जिम्मेदारियाँ बदलती हैं, परंपरा है, हमेशा बदलाव होता है, मगर आज कुछ खास इसलिए था कि जो पिछले थाना अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, लगभग 1.5 साल का कार्यकाल उन्होंने यहाँ पर बिताया है, और उस 1.5 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए, विधानसभा के चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए, और उसके बाद CAA का प्रदर्शन भी उनके थाना क्षेत्र के अंदर रहा। उसके बाद एक ऐसा विकराल रूप इस क्षेत्र का देखने के लिए उन्हें मिला दंगों के रूप में फरवरी के महीने में, और उसके बाद जो ये कोरोना नाम का एपिडेमिक चल रहा है, तो एक बड़ी विषम परिस्थितियों में पिछले थानाध्यक्ष महोदय ने कार्य किया है। तो उन सब विषय की चर्चा करते हुए नए थानाध्यक्ष महोदय से परिचय रहा, और मुझे लगता है ये अच्छा एक स्वागत योग्य कार्यक्रम रहा। देखिए जी, बहुत बहुत स्वागत है नए आने वाले थानाध्यक्ष जी का। जिस प्रकार से मुझे बताया गया कि बहुत कर्मठ हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, 4th-5th उनका थाना है, तो मुझे नहीं लगता उनको यहाँ पर कुछ काम करने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस अपने में अलग बोलता है। दूसरी बात, जिस प्रकार से बताया कि पुराने SHO साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है कहीं 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 पे, तो वो पुराने जो है उनको नए को गाइड करके जाते हैं किस तरीके का परिदृश्य यहाँ पे रहता है, जनता किस प्रकार से काम करती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो इस क्षेत्र के रह के गए हैं, यहाँ B1 ब्लॉक में, सुना है अभी आलोक वर्मा जी बता रहे थे मुझे कि यहाँ काफ़ी टाइम उनका बचपन का या जो भी युवावस्था का समय गुजरा है, तो इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। फिर समाज जिस प्रकार से उनका अभिनंदन किया है, तो ये एक जिसे कहते हैं उदाहरण है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी जो एक समाज सॉल्व कर सकता है, जिम्मेदार लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो उनके साथ मिलाएंगे। आज का ये जो कार्यक्रम था, सर्वजन हित समाज ने जिसे ऑर्गेनाइज किया था, और बहुत सारे मीडिया के मित्रों ने इसे कवरेज किया, क्योंकि आज का जो टाइम था वो एक थानाध्यक्ष जो आदरणीय रामस्वरूप मीणा जी यहाँ से जा रहे थे, और नए थानाध्यक्ष अशोक शर्मा जी यहाँ आ रहे थे, तो भजनपुरा में अभी बहुत सारे लोग, जैसे पता है कि दंगे का मुख्य जो स्थान था हमारे नॉर्थ ईस्ट में भजनपुरा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे अपने कर्तव्य को निभाने वाले दिल्ली पुलिस के जवान थे जिन्होंने हम सभी को बचाया। तो मीणा जी के लिए बहुत खट्टी मीठी यादें थी जो आज हम लोगों ने साझा किया, और उनकी विदाई, क्योंकि ये तो सिस्टम का एक हिस्सा है कि कभी यहाँ कभी वहाँ तबादला होते रहते हैं, लेकिन हम उनके कार्यकाल को हमेशा मिस करेंगे जिन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, अपने एक्सपीरियंस से हम सभी को बचाया, काम किया लॉकडाउन में भी, और पीछे जो राइट्स हुए थे उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा काम किया। आने वाले SHO साहब के लिए कहूँगा कि कांटों का ताज है, ये संभल के रखना क्योंकि ये इलाका एक्चुअली सब धर्म के लोग हैं इसमें, और छुटपुट घटनाएँ होती रहती है, तो सबको साथ लेके चलें, समाज को साथ लेके चलें, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। बाकी आने वाले SHO का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, अशोक जी का भी बहुत अच्छा वेलकम हुआ, धन्यवाद।